खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़, हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। नसरुल्लागंज तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम लाड़कुई कोसमी वन विकास निगम क्षेत्र के ग्राम भिलाई बीट में अभी कुछ समय पहले ही ड्यूटी ज्वाइन की है वन रक्षक सुश्री सना परवीन ने। और मुखबिर से सूचना मिली कि भिलाई में सागून की सिल्ली यहां से निकलने वाली है, तो लकड़ी माफियाओं के हौसले पस्त करने के लिए अकेली जाबाज वन रक्षक जहां लोग जाति धर्म के नाम पर देश को बांटने में लगे हुए हैं, वहीं अपनी ड्यूटी को सब कुछ मानते हुए भिलाई बीट क्षेत्र में पदस्थ सुश्री सना परवीन, जिसे जैसे ही मुखबिर से सूचना मिली वह अपनी जान की फिक्र न करते हुए माफियाओं के बीच में अकेली कूद पड़ी। बिना वन अमला सुरक्षा के लिए ना कोई हथियार ना अधिकारी साथ, रात के अंधेरे में माफियाओं पर शेरनी की तरह टूट पड़ी और सागून की सिल्ली पकड़ने में सफलता हासिल की। लकड़ी माफियाओं द्वारा वन रक्षक सुश्री सना परवीन पर पत्थरों से हमला किया गया, लेकिन हार नहीं मानी और माफियाओं के हौसले पस्त कर दिए। रेंजर प्रदीप अरोरा द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया गया कि 25 नग सागून की सिल्ली को जब्त करने में एक बड़ी सफलता हासिल की है। इसका बाजार में मूल्य लगभग 30,000 रुपए बताया गया। वहीं सुरक्षा श्रमिक को भी चोट आई है, लेकिन अपनी हिम्मत के दम पर माफियाओं के छक्के छुड़ा दिए और सिल्ली पकड़ने में सफलता प्राप्त की। वहीं पुलिस थाने में FIR भी कराई गई, जिसमें पुलिस द्वारा आरोपी पर धारा 147, 148, 353, 332, 506 धाराएं लगाई गई। अब एक लकड़ियां पकड़ ली और मारपीट भी, क्या मामला है? पूरा मामला कुछ इस प्रकार का है कि भिलाई बीट के कष्ट क्रमांक 454 में सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराधी अवैध लकड़ी का परिवहन करना का प्रयास कर रहे हैं, और सूचना कुछ इस प्रकार की थी कि 10 मिनट के अंदर माल को बाहर कर दिया जाएगा। भिलाई बीट की प्रभारी सुश्री सना परवीन, जिनको अभी आए अधिक समय नहीं हुआ है, इन्होंने तत्परता से अपने वहाँ के चौकीदार हैं सचिन पेठारी और मनोज पेठारी, इन दोनों को तत्काल साथ लेकर और घटनास्थल को रवाना हुए। और वहाँ पर जाकर अंदाजा था कि कुछ परिवहन करते मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर दृश्य कुछ इस प्रकार का निकल के आया कि वहाँ पर 10-12 लोगों का होना का अंदेशा हुआ। इन लोगों के द्वारा ललकारा गया, लेकिन इस बीच में उन्हीं में से एक अपराधी ने आकर झूमा झटकी शुरू कर दी। इस झूमा झटकी के चलते जब इन लोगों का प्रतिकार किया गया और संख्या बल कम होने का अंदाज होने पे इन लोगों ने अपना ऐसा कार्रवाई, अन्य स्टाफ को फोन करना, ये करने कार्रवाई की। इस बीच के अंदर माल जब्ती के प्रयास के दौरान अपराधियों के द्वारा कुछ पत्थरबाजी करना शुरू कर दी गई। उस पत्थरबाजी के तहत हमारे एक सुरक्षा श्रमिक है श्री सचिन पेठारी, उसको सिर में चोट आई है, और हमारी सना मैडम को भी कंधों में और या कोनी पे पत्थर लगे हैं, और जिसकी त्वरित पूरे स्टाफ को खबर करने पे पूरा स्टाफ विद इन हाफ आवर पहुँच गया वहाँ पर, और उसके पश्चात जब्ती कार्रवाई करके और वापस आकर और पुलिस थाने में इसकी कायमी कराई गई। उसमें एक मुलजिम की निशानदेही हुई है, उसका नाम श्री हरि सिंह बारेला के रूप में हुई है। उसके अन्य और साथी थे जिनके बारे में और तस्दीक करके पता किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि जो वन माफिया के इस प्रकार का वनों के अपराध के प्रति, अतिक्रमण के प्रति और कटाई के प्रति जो चल रहा है, उसमें सख्त सजा मिले अपराधी को। यह प्रयास वन विकास निगम का रहेगा, इस प्रकार का प्रयास हम पूरा टीम के रूप में करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, जो लकड़ियाँ पकड़ाई है वो कितने घंटे और कितने की उपलब्ध? हाँ, ये जो लकड़ी पकड़ी है वो 25 नग चरपट पकड़ा है, 25 नग है,
और उसके अंदर पॉइंट सना परवीन बीट प्रभारी भिलाई। मैडम कल रात्रि की जो घटना हुई इसके बारे में बताएंगे। सर जैसा कि मेरा जो सुरक्षा श्रमिक है सचिन पेठारी उसके द्वारा मुझे मतलब उसको जो भी हमारे वो रहते हैं मुखबिर तंत्र उनके द्वारा ये सूचना मिली थी कि वहाँ से जो सिरबोझ वाले हैं वो लकड़ी काटने का प्रयास कर रहे हैं और ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसने मुझे कॉल किया और बताया मुझे कि मैडम जितनी जल्दी हो सके क्योंकि वो लोग उसको ये अंदाज़ा था कि वो सिरबोझ वाले हैं या फिर साइकिल से ले जाने की कोशिश करेंगे। तो उसने मुझे ये बोला कि मैम विद इन 10 मिनट या आप जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। तो उस टाइम मेरे पास टाइमिंग बहुत कम था तो फिर मुझे मैंने अपने अधिकारियों को इन्फॉर्म करने की वजह ये सोचा कि वो लोग 2-4 होंगे या इस टाइप से जो भी एस्टिमेशन लगाया कि ज़्यादा नहीं होंगे तो मैं हैंडल कर सकती हूँ क्योंकि मेरे सुरक्षा श्रमिक वहाँ पर 2-3 मौजूद थे। तो फिर मैं तत्काल वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पे फिर हमने जैसे ही मौके पे पहुँचे तो वहाँ पर हमें एक मिल भी गया वहाँ पे जो भी लकड़ी वाला था। तो हम उसके साथ फिर मेरे सुरक्षा श्रमिक की हाथापाई हो गई। उसने मुझसे भी मतलब अटैक करने की कोशिश की तो मेरे सुरक्षा श्रमिक ने मुझे मेरा बचाव किया। फिर उससे जब हाथापाई होने लगी और फिर जो उनके जितने भी साथी थे वो लोग जंगल में छुपे हुए थे हमें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था। वो करीब होंगे सर 20 से 25 के करीब होंगे। जब वहाँ से पथराव आना चालू हुए तो हमें इस बात का अंदाज़ा मिला कि वहाँ पर लोगों की संख्या इतनी है। फिर मैंने जैसे तैसे इन लोग को वहाँ वो तो छूट गया जो हरी सिंह बारेला की पहचान की गई वहाँ पर, फिर वो भी चला गया क्योंकि हम लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैंने इन लोगों को बोला कि जैसे भी हो जल्दी से यहाँ से निकलो क्योंकि उन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। फिर हम तुरंत वहाँ से ये घटना कितने बजे की हुई सर? ये 10:30 से 11 बजे की। 10:30 से 11 बजे यानी आप अपने 2-3 सुरक्षा श्रमिकों को साथ लेकर और जंगल के अंदर पहुंच गए। जी जी। मेरे आपसे पूछना यह है मैडम कि जिस समय आप जंगल की ओर जा रहे थे आपको जब ये सूचना मिली यहाँ पर सागुन तस्कर जो है सागुन की तस्करी कर रहे हैं जी, तो आपके मन में डर नहीं आया? सर डर कुछ नहीं था, बस ये था कि हमें बस उनको कैसे भी करके पकड़ना है। सर उस टाइम तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था। आपके पास सुरक्षा के लिए अगर आप पर अटैक हुआ उस समय आपके पास सुरक्षा के लिए क्या जैसे हथियार और सेफ्टी के लिए रहते हैं आपके पास क्या चीज़ें मौजूद थी? सर कुछ भी नहीं था। तो आप एक अकेली लड़की होकर जो है माफियाओं के बीच में और वो भी रात के अंधेरे में जिस तरीके से आपने एक बहादुरी का जो कार्य किया है और तकरीबन आप बता रहे हैं इनकी संख्या 12-15 तक तकरीबन होगी जी। और इतने लोगों के बीच में एक आप अकेले